आज हम टमाटर का टोनर बनाने बना रहे हैं। इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं, यह सनबर्न को ठीक करने में असरदार होता है, कोलाजन को प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और इसके साथ ही टमाटर स्किन को बेदाग बनाने में, पिगमेंटेशन को हल्का करने में मददगार है। तो मैंने ये बॉइल वाटर में टमाटर को पीसेस में कट करके डाल दिया है। ये बॉइल होगा और बहुत ही अच्छे से इसकी गुडनेस वाटर में छोड़ देगा, तो स्किन के लिए अच्छा होता है टमाटर। इसे चेहरे पर लगाने से कई तरीके के सनबर्न में असरदार होता है, स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, एक टोन फेयरर ये स्किन को कर देता है। और ये टमाटर में ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो स्किन पे अगर हम लगाते हैं तो उससे हमारी स्किन को बेहद फायदा होता है। हमारे पोर्स ओपन रहते हैं, बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं, तो उसे श्रिंक करता है, मिनिमाइज करता है और निखार लेके आता है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी इसमें टमाटर में होती है, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करें, बनाएं और जरूर इस्तेमाल करें और इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो इसी प्रकार से टोमेटो टोनर जो है बन जाता है और बहुत ही इजी होता है इसे लगाना। हम कच्चा टमाटर स्किन पर रब तो करते हैं लेकिन उससे इतना डेली हम कर नहीं पाते, इसे बनाकर स्प्रे वाटर में रखने से स्टोर भी कर सकते हैं। टमाटर स्किन के लिए एक्सफोलिएट का काम भी करता है, डीप पोर्स को क्लीन करता है जिससे स्किन बेहद हेल्दी नजर आती है, अंदर से ग्लो निकल के आता है। टमाटर डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में, रंगत सुधारने में मदद करता है। इसे लगाने से टैनिंग के निशान लाइट होते हैं, साथ ही स्किन में इरिटेशन भी कम होता है, क्वालिटीज में भी निखार आता है स्किन की। टमाटर में विटामिन बी होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है, ये लाइन फाइन लाइन, डार्क सर्कल, ब्लेमिशेज जैसे एजिंग के साइन को कम करता है। ये फल कोलेजन बूस्ट करने में मददगार है, कोलेजन स्किन में मौजूद वो प्रोटीन है जो टेक्सचर को सुधारता है और त्वचा को जमा बनाए रखता है। तो ये तैयार हो गया है। टमाटर से मिलने वाला हाइड्रेशन स्किन को सॉफ्ट और सफल बनाता है जिससे चेहरा खिला खिला दिखता है। तो मैंने इसे छान लिया है, आप चाहें तो टमाटर को सीधा भी लगा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। आपकी ऑयली स्किन हो या कैसी भी स्किन हो, आप इसे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चेहरे को पहले वॉश करना है अच्छे से फेवरेट फेस वॉश से, फिर इसको स्प्रे करना है। स्प्रे बोतल में मैं ले रही हूँ, देखिए आप, फिर स्प्रे करना है और आप फिर कोई भी अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर सनस्क्रीन इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसे डेली इस्तेमाल करें फेस वॉश के बाद, आपको बहुत अच्छे विद इन ए वीक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट कर देंगे, हो जाएंगे विद इन ए वीक ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी स्किन पे एक अलग ही ग्लो नजर आएगा। अगर आपके झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं तो उसमें भी फायदा ये करेगा। किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वो देख लीजिए। इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, स्प्रे करना है अपने फेस पे या आप किसी भी डार्क बॉडी पार्ट पर भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। देखिए नेचुरल ग्लो निकल गया है अंदर से, देखिए आप कितना प्यारा ग्लो, एकदम स्किन शाइन कर रही है। तो इसी प्रकार से आपको अप्लाई करना है, बना के आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, अब तो गर्मियां हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।